करना पड़ेगा। बचाओ बचाओ। अटैक। हीरो कौन हो तुम? बच्चों का दोस्त। हीरो हमेशा की तरह हीरो सही टाइम पर आया। अगर ये नहीं होता तो कमांडो हमें गोले से उड़ा देते। मेरे कमांडो ने बच्चों पर गोले चलाई। मजाक का वक्त नहीं है। हमने कमांडर्स को स्कूल की सिक्योरिटी के लिए बुलाया था, लेकिन ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा निकले। कमांडर्स को उकसाने के पीछे जरूर किसी बाहरी ताकत का हाथ है, और हमें उस बाहरी ताकत को स्कूल में आने से ही रोकना है। सिक्योरिटी कल 3 लेवल पे काम करेगी। पहला, स्कूल के बाहर नजर रखेगी। दूसरा, अंदर आने वाले हर शख्स की तलाशी ली जाएगी। और तीसरा, सिक्योरिटी खुद सीएम के साथ रहेगी। अगर फिर से तुम्हारे कमांडोज ने चीफ मिनिस्टर पर हमला कर दिया तो मैं खुद उनके साथ रहूंगा। लेकिन हाँ, सीएम साहब से मिलने की इजाजत कर्नल राघवन और साइंस क्विज के पार्टिसिपेंट के अलावा किसी को नहीं दी जाएगी। कर दे पाप का बेड़ा पार, सुन क्या कहती विष की धार। कमांडो नाकामयाब रहे, हीरो ने बच्चों को बचा लिया। जानता हूं, इसलिए हमारा काम अब कमांडो नहीं बच्चे खुद करेंगे। बच्चों को छल कपट से बेवकूफ बनाना मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन जोर जबरदस्ती से तो उन्हें अपना हथियार बनाया जा सकता है ना। सोचो, सिल्वर स्प्रिंग स्कूल में साइंस कॉम्पिटिशन, चीफ गेस्ट चीफ मिनिस्टर और एक बड़ा सा बम ब्लास्ट। ऐसा ही होगा असगर, और चारों तरफ तबाही ही तबाही। राज करेगा। आए स्कूल है या रेलवे प्लेटफॉर्म, सटा गुरदासपुर के स्कूल में तो गिर के ही दो कमरे हुआ करते थे, एक में पढ़ाई और दूसरी में कुश्ती। और पुत्र, और ऐसे नहीं उठाते। उतारो तुम, की कर रहे हो? उतारो मुझे। भाई साहब, अस्सी का जॉय सैगल दे मामा मामी है, और प्रिंसिपल साहब ने मिलन वास्ते बुलाए सी, उन्हां दा कमरा किथे है? जानते हैं, पहले हम तो केला खिलाई है। भाई स्कूल है या चिड़िया घर? कुछ दे दो ना, केला की फर्क पैंदा। ओए किथे है प्रिंसिपल साहब का कमरा? स्कूल में। ओए स्कूल विच किथे? कमरे में। कमरा कितने है? एक और केला दो फिर बताएंगे हम। ठहरे जी, मैं खिलाती हूँ जी आपको केला, लेकिन ना आपको आंखें बंद करके खाना पड़ेगा। करूंगा ना, आंखें बंद करूंगा ना। तो कीजिए ना, ये लीजिए। कौन है आप लोग? सत्री अकाल जी, मैं जी जॉय सगल का मामा, पम्मी मामा। मैं करतार मामी जी। इट्स ओके ऑफिसर, इन दोनों को मैंने ही यहाँ बुलाया है। प्रिंसिपल साहब जी, साडा जॉय ना बहुत है चंगा मुंडा है, अब बच्चों से छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती हैं, तो आप माफ कर दो ना जी। सिल्वर स्प्रिंग स्कूल में चीटिंग करने वाले को कभी माफ नहीं किया जाता। जॉय ने चीटिंग की है। आप तो पढ़े लिखे लोग, लेकिन हम भी बात के पक्के हैं साहब जी, आज तक हमारे घर में किसी ने चोरी नहीं की। जॉय अपने बलबूते पे कंपटीशन में कभी फर्स्ट आ ही नहीं सकता। साहब जी, मेहनत से सब कुछ हो सकता है ना। जॉय ने मेहनत नहीं, चीटिंग की है। अगर परसों के ओरल एग्जाम में वो पास नहीं हुआ तो उसे ये स्कूल छोड़ना होगा। इतना बड़ा इम्तिहान और इतनी बड़ी सजा, लेकिन तैयारी भी सिर्फ 2 दिन है? ये तो चीटिंग है, अपना शेयर कैसे पास होगा।
मैं पास होने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम लोग मेरी मदद करोगे ना? जरूर करेंगे, पर तुम घबराओ मत, ओके? अरे घबराओ कैसे नहीं, अगर फेल हो गया ना तो मेरी छुट्टी हो गई हमेशा के लिए, कौन बचाएगा मुझे? मैं आ गया, डॉक्टर आई आप। अगर हम मंकी हो तो ये संकी है। ललिता, प्रॉब्लम सॉल्व। इससे कुछ नहीं होगा, जब तक मैं अपने आका का मिशन पूरा नहीं कर लेती मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ललिता तुम मुझे बताओ तो सही, मैं उसे पूरा करूंगा। और अब ये खेल एक बच्चा ही खेलेगा, चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी को तोड़कर अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है डॉक्टर, मैं उतनी ही जल्दी तुमसे शादी करूंगी। बॉम्ब तो मैं एक ही दिन में तैयार कर दूंगा ललिता, लेकिन उसे डिटेक्शन प्रूफ बनाने के लिए उस पर एक ऐसी कोटिंग चढ़ानी होगी जिसे बनाने में 500 किलोग्राम मिर्ची लगेगी। और मेरी गलमान जॉय को ले चल गुरदासपुर, वहीं उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी और साथ में कुश्ती की ट्रेनिंग भी करवा दूंगा। और दिमाग खराब हो गया, जॉय को पढ़ लिख के बड़ा साफ बनना है, पहलवान शहलवान नहीं बनना। क्यों जी, पहलवान बनने में कौन सी ऐसी बुराई है? और पहलवानी बनाना होता तो सुनैना बहन जॉय को इतने चंगे स्कूल क्यों डालती? ओ ना जी ना, हमारे पुत्र पर जितने झूठा इल्जाम लगाया जाए वो चंगा स्कूल कैसा? ओहो जी, जॉय है ना, सारे के सारे इल्जाम गलत साबित करके रहेगा, देख लेना। मैं कैसे गलत साबित करूंगा, मैं जो भी पढ़ता हूँ थोड़ी देर में सब भूल जाता हूँ। और नहीं पुत्र, तू फिक्र ना कर, मैं तेरा इलाज यूं कर दूंगी, बस तू ना मन लगा के पढ़, ठीक है? सच, मुझे सब कुछ याद रहेगा। ओए हाँ पुत्र, मेरा इलाज आज तक कभी फेल ही नहीं होया। बच्चे को झूठी तसल्ली दे रही हो है? रेडी ना, कॉन्फिडेंट? हाँ, तो अब शुरू होता है तुम्हारा ओरल एग्जाम। ओके जयसेगल, तुमसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर तुमने एक भी आंसर रॉन्ग दिया तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा धरती से कितनी दूरी पर है? घबराओ मत फ्रांकी, कल तुम्हें चंद्रमा और धरती के बीच का फासला अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वो कैसे? कल जब तुम फेल होगे, समझे? पर प्रिंसी मुझे क्यों मारेंगे? ओह जॉय, व्हाट अ बॉय। प्लीज तुम लोग हमें डिस्टर्ब मत करो, और जॉय तुम पेज 1 से पढ़ाई करना शुरू करो। पेज 1 से? मैं भी देखती हूँ तुम कैसे फेल होते हो। ओ भाई साहब, 50 किलो हरी मिर्ची देना। मिर्ची तो सब क्लास हो गया है? वो सेठ उनकी मेम साहब है ना, सारे मंडी का मिर्ची खरीद लेंगे। अगर तुम लोगो को भीख मांगनी है तो कहीं और जाओ। भिखारी लगते तो बच्चों लोग, आज का क्लास है? सर, आपकी पूंछ कहाँ गायब हो गई? कौन बोला? कौन बोला? हैं? कौन बोला? हाँ, काका रे? हाँ, काका? ए जॉय साइकिल काका हाँ? हैं? और कोनो आवाज नहीं चाहिए हमको? समझाना बच्चों लोग? चल, 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 चल,
ये लोग कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? Yes, English. तुम्हें तो आनी चाहिए ना? मुझे नहीं आती. हंगामुंगा, बबली, मम्मी को संभालो. हंगामुंगा, ओए हंगामुंगा, ओए हंगामुंगा, 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 अरे हंगामुंगा, ओए हंगामुंगा, ओए हंगामुंगा, ओए हंगामुंगा, ओए मुझे तो आना ही था. और पुत्र तेरा दोस्त कितने? You know what? मैं इस संतरे का फेस पैक बनाऊंगी और फिर अपने स्किन पे लगाऊंगी. इससे मैं और भी ज्यादा गोरी हो जाऊंगी. और देख पुत्र कैसे मूली चुली खा रहा है. तू भी खाया कर, सेते शेते बन जाएगी. यू भैंस का सर हाउ डिस्गस्टिंग. इतना भी मत खाना. कितना चंगा मुंडा है ना. हाँ जी होते. ओ चलो जी, कार विच भी एक चंगा मुंडा है. ओ चलो, मर्ची की बोरी उठाओ और दवाई बनानी है. ओ, चलो चलो. ओ हाँ जी. हरी मिर्च से बने इस घोल के जमते ही तैयार हो जाएगा और फिर दुनिया का कोई भी डिटेक्टर इसको सूंघ नहीं सकेगा. ओ डार्लिंग, यू आर अ जीनियस. कल मेरा मिशन पूरा होगा. दुर्गा माँ, आप तो जानती हैं ना, मैं कितनी भी मेहनत करूं, मैं कितनी भी पढ़ाई करूं, फिर भी कुछ देर बाद मैं सब कुछ भूल जाता हूं. अब मैं कल के टेस्ट में कैसे पास होऊंगा दुर्गा माँ? लो जी, पास होने की दवाई आ गई. ओए पुत्र, फटाफट पी ले. पी ले. ओए कैसे नहीं पिएगा काका? चल पुत्र पी ले, पी ले, जल्दी पी ले. ओह जी, धुआं यानी कि धमाल. ओए तू कल धमाल करेगा. धमाल पे धमाल. गुड मॉर्निंग सर. रेडी? पहला सवाल, पृथ्वी पर कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? सर नाइट्रोजन. सही जवाब. दूसरा सवाल, साउंड को किस यूनिट में मापा जाता है? डेसिबल. बिल्कुल सही जवाब. तीसरा और आखिरी सवाल, कौन सी मकड़ी रेटल स्नैक से ज्यादा जहरीली होती है? रेक्लूस स्पाइडर. ब्रिलियंट, बल्ले बल्ले. इसका मतलब सौ में सौ तुम पास हो गए. ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता, आपका ही तो स्टूडेंट है. देखिए डॉक्टर आफत,
हमको तो लगता है आप ई के साथ मिले हुए हैं। जरा आपके कोटवा का पॉकेट वाला चेक करें, कहीं कोई चीटिंग का चुटकुट तो नहीं छुपा हुआ है। हाँ? क्या करते हो? करते हो पक्का? हाँ, चीटिंग करते हो? मिल गया चिट, मिल गया हमका चिट, मिल गया। ये क्या करते हैं? अरे हम क्या कह रहे हैं, हमारा है आपका ही है, पर है का मेरा है? अरे हम पूछ रहे हैं, है का मेरा है? जॉय, सभी सवालों का सही जवाब देके तुमने यह साबित कर दिया कि तुम इंटर साइंस कंपटीशन में चीटिंग से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत के बल पर टीम में चुने गए हो। वेल डन माय बॉय, वेल डन। थैंक यू सर। अब तो मैं और अवि टॉपिक जीत कर रहेंगे। अवि? मैं अवि अवि को बता कर आता हूँ। अरे अरे, तुम लोगों ने अवि को देखा क्या? नहीं। अरे 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 अरे, अरे तुम लोगों ने अवि को देखा क्या? नहीं। कहाँ चला गया होगा? तुम लोगों ने अवि को देखा? नहीं। सुनो सुनो सुनो, तुम लोगों ने अवि को देखा क्या? नहीं। इंटर स्कूल साइंस क्विज में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होगी तुम्हारी।